हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंडशिप. सो एस यू ऑल नो, मैनी मैनी टाइम्स बिफोर हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर लिया था. हमने टाइम वाले टॉपिक तक उसमें डिस्कस कर लिया था. अब हमारी बारी आती है पार्ट 2 उसका डिस्कस करने के लिए. एंड द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर इज ले बैब प्रोनोमिनो, मीन्स प्रोनोमिनल वर्ब्स. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एज प्रोनोमिनल वर्ब्स. एंड ऑल्सो यू कुड से इट एज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. ये तीनों चीज़ें आप इसको कह सकते हो. ठीक है, अब ये होती क्या है, ले वैब प्रोनोमिनो प्रोनोमिनल वर्ब्स रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें जो सब्जेक्ट हो वो अपने ऊपर ही एक्शन को इंडिकेट करता हो, वो स्पेसिफाई करता हो कि हाँ दिस एक्शन हैज़ बीन डन बाय मी. अगर मैं कहूँ आई वेक अप, चलो मैंने कह दिया. अगर मैं कहूँ आई वेक अप माई सेल्फ, सो इसमें ने स्पेसिफिकेशन डाल दी दैट आई माई सेल्फ डू दिस. ठीक है, सो ऐसी चीज़ों में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रोनोमिनल वर्ब्स. ठीक है, प्रोनोमिनल वर्ब्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं. चलो उन रूल्स को नंबर एक से एक करके सीखते हैं. नाउ सबसे पहली चीज़, हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं य, ट्यू, इल, एल, नो, वो, इल, एल, ठीक है, जितने भी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं इनके साथ हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है जब भी हम प्रोनोमिनल वर्ब्स को कॉन्जुकेट करेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्या क्या लगाएंगे, य के साथ लगेगा म, क्यू के साथ लगेगा त, इल और एल के साथ लगेगा स, नो के साथ लगेगा नू, वो के साथ भी लगेगा वू, एंड अगेन इल एल के साथ भी लगेगा स. ठीक है, अब इसको कॉन्जुकेट कैसे करते हैं वो देखते हैं. नाउ अब मैं एग्जांपल लूंगी एक वर्ब का जो कि है स लेवे. स लेवे हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वेक अप. ठीक है, अगर मैं इसके आगे बस इसको लेवे लिखूं इसका मतलब होगा टू वेक अप. टू सर लेवे लिख लूँ तो मतलब कि सर लेवे का मतलब हो गया टू वेक अप वन सेल्फ. ठीक है, इसको कॉन्जुकेट कैसे करेंगे हम, य, ट्यू, इल, एल, नो, वो, इल, एल. ठीक है, ये हमने कर दिया. अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखे थे वो हम इसके आगे पुट करते जाएंगे. य के आगे हम लगाएंगे म, ट्यू के आगे त, इल और एल के आगे स, स, नू के आगे नू, वू के आगे पीछे वू, इल के पीछे भी स, एल के पीछे भी स, और जो भी वर्ब है उसको हम कॉन्जुकेट कर देंगे. लेव, लेव, लव, नू नू, लवो, लवे, लव, लव. अब आप लोग कहोगे कि इन सब के ऊपर तो हमने एक्सेंट लगाया और वर्ब जो थी हमारी उसके ऊपर तो एक्सेंट ही नहीं है. बट से लवे वर्ब का एक रूल होता है कि अगर ज ट्यू इल एल, इल एल के केस में हमारा एक्सेंट लगेगा और नो वू के केस में नहीं लगेगा. ठीक है, ई आर वर्ब की तरह ही हमने इसको कॉन्जुकेट कर दिया, ई, ई एस, ई, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ए एन टी. ठीक है, वैसे ही हमने इसको कॉन्जुकेट कर दिया बट जस्ट द चेंज वॉज एक्सेंट के अंदर हमारा चेंज आया था. ठीक है, तो ऐसे हम इसको कॉन्जुकेट करते हैं. अगर आपके पास कोई भी ऐसी वर्ब दी हो स जिसके आगे लगा हो इन इट्स इन्फिनिटिव फॉर्म तो उसको आप प्रोनोमिनल वर्ब्स मानकर उसको इसी वे में आपको कॉन्जुकेट करना है. ठीक है, अब एक वर्ब हम सीखेंगे सासुआर, मीन्स टू सिट डाउन. ठीक है, वो वर्ब बहुत ही ज़्यादा इट्स एन एक्सेप्शनल, मतलब कि रूल को फॉलो ही नहीं करती है. चलो सीखते हैं उस वर्ब को भी. सो द वर्ब इज ससुआर. ससुआर का मतलब टू सिट डाउन. ठीक है, आई सिट,
सो मैं कहूंगी ज मासियत, तू तासियत, इल सासियत, नू असयों, वू असये, इल सासयों। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन हमें याद करनी होगी। एंड नेक्स्ट वी कम टू फ्यू अदर प्रोनोमिनल वर्ब्स, उन पर हम आ जाते हैं, सीखते हैं उनका मतलब एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस देम। सा प्ले मीन्स टू बी कोल्ड, सा म्यूजिक टू इंजॉय वन सेल्फ, सा सुआ टू सिट डाउन, सा ब्लेसे टू हर्ट वन सेल्फ, सा ब्रोसे टू ब्रश, सा कुशे टू लाई डाउन और टू गो टू बेड, सा दिपेशे मीन्स टू हरी अप, सा दिसाबिले टू अनड्रेस वन सेल्फ, साबिले टू ड्रेस अप वन सेल्फ, सा लावे टू वॉश वन सेल्फ, सा लेवे टू गेट अप और टू राइज अप, सा प्रोमेने मीन्स टू टेक अ वॉक, सा रिवेले मीन्स टू वेक अप, सा तैर मीन्स टू बी कीप क्वाइट और टू बी साइलेंट, सर राजे मीन्स टू शेव एंड सर बैंगने मीन्स टू टेक अ बाथ। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।